ग्वालियर में पिछले दिनों कॉलेज संचालक के बेटे की गोली मारकर बेरहमी से हत्या और सबूत छिपाने के लिए सबको जलाने के मामले में गुरुवार को हत्या में शामिल तीसरे आरोपी के घर को पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया, जबकि इस मामले में दो अन्य आरोपियों के मकान पहले ही जमींदोज किए जा चुके हैं। ज्ञात हो कि सत्यम रेजिडेंसी सिटी सेंटर निवासी मृतक प्रखर उर्फ अभय परमार कॉलेज संचालक प्रशांत परमार का इकलौता बेटा था। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व अभय ने कॉलेज बनाने के लिए बहोड़ापुर इलाके में भवन निर्माण के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। तभी उनसे निगम का संविदा कर्मी करण वर्मा मिला और मंजूरी का भरोसा देकर 6,80,000 रुपए लिए और उसके बाद जरूरत बताकर 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद वह टहलाता रहा और जब अभय ने दबाव बनाया तो करण ने अपने साथी भानु और हर्ष उर्फ गौरव सक्सेना के साथ मिलकर हत्या की और उसका शव झांसी ले जाकर जला दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और करण व भानु का मकान जमींदोज करने के बाद गुरुवार 5 जनवरी को निगम की टीम और जनकगंज थाना प्रभारी आलोक परिहार के साथ नवगृह कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची और उसका मकान जमींदोज कर दिया। वहीं हत्यारे का मकान तोड़ने पहुंची तहसीलदार सुभद्रा त्रिपाठी का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी का मकान को तोड़ा जा रहा है। आरोपी की पत्नी और माँ ने मकान पहले ही खाली कर दिया था। कार्यवाही में कोई विवाद ना हो इसके लिए पुलिस के साथ मिलकर यह तुड़ाई की कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने वारदात में सहयोगी सोनू परिहार को भी गिरफ्तार किया है। सोनू परिहार ने आरोपियों को कट्टा उपलब्ध कराया था और उनके खून से सने कपड़े साफ किए थे। प्रशांत परमार हत्याकांड का आरोपी है हर्ष उर्फ गौरव सक्सेना। उसके मकान पर हम लोग आए हैं गोलबाड़िया स्थित और उसके मकान पर को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। किसी तरह कोई विरोध हुआ? नहीं, विरोध तो नहीं हुआ है। उनकी माँ और बहन ने पहले ही अपना पूरा घर खाली कर दिया था, सामान पूरा निकाल लिया।